पश्चिम त्रिपुरा जिले के काटमारा गांव में बने खास बांस आधारित इको रिजॉर्ट बांस ग्राम को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में कांस्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे मशहूर डेस्टिनेशन बनाने का श्रेय मनारी को जाता है। उन्होंने मौजूद संसाधन बांस का इस्तेमाल करके इस इलाके को एक लुभावने इको टूरिज्म डेस्टिनेशन में बदल दिया है। प्रकृति के साथ तालमेल बनाने और इलाके में रहने वाले लोगों के लिए स्थायी आजीविका जुटाने के मकसद से कुछ अनोखा करने की उनके दृढ़ संकल्पना ने बांस ग्राम का विकास किया है। बैम्बू का यूटिलाइज कैसे हो सकता है? हमने रोड भी बैम्बू का बनाया, बेड भी बैम्बू का बनाया, डाइनिंग टेबल भी बैम्बू का है और डस्टबिन भी बैम्बू का बनाया। तो उसका करने का यही मतलब है कि उद्देश्य यही है कि बैम्बू से क्या क्या हो सकता है, ये एक मॉड्यूल यहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए। इसीलिए इसे बांस गांव के रूप में भी जाना जाता है। एक शोरूम बांस से बनाए गए इन प्रोडक्टों को प्रदर्शित करता है। इन प्रोडक्टों में इस्तेमाल किए जाने वाला कच्चा माल गांव वालों को रोजगार के मौके भी देता है। यहाँ आने वाले लोग शहर की भीड़ से दूर खुद को प्रकृति के काफी करीब मानते हैं। यहाँ का शांत वातावरण उन्हें खुद तरोताजा करने का अलग तरह का अनुभव देता है। जैसे जैसे पर्यटन फलता फूलता रहता है, इलाके के लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रोजगार के मौके मिलते हैं और उन्हें काफी फायदा भी होता है। हफ्ते के दिनों में रिसोर्ट में करीब 200 से 300 लोग आते हैं तो वीकेंड पर यहाँ काफी भीड़ बढ़ जाती है। ऐसी कई खबरों के अपडेट पाने के लिए नवभारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।